अर्णव यहां आओ, तुम्हें हमारे साथ अभी चलना होगा। क्यों सर? ए खोलो, क्या हुआ इसे? अंजलि, अंजलि ये आवाज नहीं दे रही है। अंजलि, 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 तुम मुझे छोड़ के चली गई, तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई? तुम मुझे छोड़ के चली गई। देखो, तुम देखो, मैं आ गया। अंजलि, एक बार आँख खोल के देखो ना, अंजलि, एक बार आँख खोल के देखो। मैं अकेला हो जाऊंगा, मैं अकेला हो जाऊंगा। अंजलि, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के मत जाओ। अरे क्या रे, उसे जला आया क्या? सुना है साली बड़ी खूबसूरत थी, अब समझ में आया भाई से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। साला एक प्रॉब्लम रह गई, राजू भाई को खुश करके नहीं जा पाई। उसको मजा भी आ जाता और साली समझ जाती कि असली मर्द किसे कहते हैं। क्या हो रहा Oh.
नहीं 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 दोस्त रुक, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। ए देखो, ए चल इधर आ, इधर आ। ए क्या हो रहा है सब? उसने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया? तो गार्ड ने गलत देखा क्या? हो सकता है, ये लोग शिव शंकर के आदमी हैं। मुझे मारने आए थे, मेरे लड़कों ने उन्हें मारा, वो चुपचाप बैठा था। ये सब ठीक हो रहा है क्या सुल्तान भाई? इतने दिनों से जो हो रहा था वो सही हो रहा था क्या जेलर साहब? उनका क्या होगा? कुछ नहीं होगा, नाले के कीड़े हैं जेलर साहब, इतनी आसानी से नहीं मरेंगे। सुल्तान, मेरे दोस्त मुझे सुल्तान कहते हैं, सुल्तान भाई। तुम सोच रहे होगे कि इतने दिनों से मैंने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की। इस सुल्तान का उसूल है, जो खुद की मदद नहीं कर सकता सुल्तान, उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। इतने दिनों तक मैंने तुम्हें इन कुत्तों के हाथों नामर्दों की तरह पिटते हुए देखा, आज पहली बार मैंने तुम्हें मर्द की तरह लड़ते देखा। इस शेर दिल दोस्त के लिए सुल्तान भाई कुछ करना चाहता है, बताओ तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? अगर सच में कुछ करना चाहते हैं तो मुझे दुनिया का सबसे बुरा इंसान बना दीजिए, सबसे बुरा इंसान, जिसे देखकर शैतान का दिल भी दहल जाए, दुनिया का एक नंबर विलेन, विलेन। बस अभी कैंपेन के लिए निकलने वाला हूं। हाँ, गाड़ी बुलाओ। ए गाड़ी निकलवाओ। हाँ बोल दिया, आ रहा हूं। हाँ, हाँ रास्ते में माइक की आवाज सुनाई देगी, वहीं पर आ जाना। हाँ ठीक है, आ जाइए भैया। हाँ ठीक है। हाँ बोल। वो अर्णव, अर्णव। हाँ हाँ, क्या हुआ? करता हूं। वो अब जेल से बाहर आ गया है। बाहर आ गया? मॉर्निंग वॉक के लिए गया था कि टहलना खत्म हो गया और वापस आ गया? नहीं, बेल मिल गई है। जिसे घुसाने के लिए इतनी मेहनत की उसे बेल किसने दिलवाई? सुल्तान। सर आपकी बीपी की दवाई। तुम लोग ये घिन घिन करना बंद कर दो तो मुझे कुछ नहीं होगा, जाओ। मुझे खबर मिली भैया कि वो और सुल्तान एक ही सेल में थे, उसी की मदद से तारक और उन दोनों लड़कों को उसने मारा। तारक को मारा? उसके बाद सुल्तान ने उसकी बेल करवा दी। अरे छोड़ो ना भैया, ये सुल्तान चुप! तो बिल्कुल चुप। तुझे पता है सुल्तान कौन है? वो और मैं साथ में ही थे, उसके बाद उसके भाई को। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके साथ अर्णव का जुड़ना मतलब कहानी में नया मोड़। ए जा तू उसके घर जाके देख, जाकर देख कि वो अपना सामान लेकर गया है या लौट कर आने का कोई चांस है। जा जाके देख, जल्दी जा। मेरे पास तुम लोगों को बताने लायक कोई बात नहीं है। अर्णव आया था लेकिन कुछ लेकर नहीं गया। सच बोल रही है, कुछ लेकर नहीं गया? जिसकी तुम लोगों ने मिलकर हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दी, उसकी जान से प्यारी बीवी को उससे दूर कर दिया, वो यहाँ से और क्या लेकर जा सकता है? तुम बताओ। ए बुढ़िया, अगर ज्यादा डायलॉग मारा तो तुम मुझे भी मार डालोगे, यही ना, जैसे तुमने मेरे भाई को मारा। राजू भाई, राजू भाई, अभी नहीं, अभी नहीं, इलेक्शन नजदीक है, इलेक्शन होने दीजिए, उसके बाद ऐसी हालत करूंगा ना कि सारी डायलॉग बाजी बंद कर देगी। चलो। हाँ सुनो, अगर अर्णव यहाँ आया या उसकी कोई खबर मिली तो तुरंत थाने में मुझे फोन करना। तुम लोग भी कान खोलकर एक बात सुन लो, अगर वो वापस आ गया तो संभाल तो लोगे ना? घर का पालतू कुत्ता भी अगर पागल हो जाता है तो पता है ना क्या करता है?
रास्ते में चलने वाले शेर भी उसे देखकर दुम दबाकर भाग जाते हैं। तुम भी भागो।